ईद पर मुनफरिद नजर आने का शौक हर उम्र के अफराद को ईद के दिन नए कपड़े पहनने पर रागिब करता है और इसी शौक की आबियारी में लोग रमजानुल मुबारक में दर्जियों की दुकानों का रुख करते हैं। तफसील बता रहे हैं पिशावर से अरशद खान। यूं तो ईद के लिए तैयारियों का आगाज रमजान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही हो जाता है, लेकिन ईद के लिए कपड़ों की खरीदारी और सिलाई का मरहला रमजान से पहले ही शुरू हो जाता है। बाजारों में नित नए डिजाइनों के रेडीमेड सूट की दस्तियाबी अपनी जगह। ज्यादातर लोग अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक कपड़े सिलवाने को तरजीह देते हैं, जिसके लिए वो दर्जियों की दुकानों का रुख करते हैं। रखवाली करते हैं, हर चीज की मयार की चेकिंग करते हैं। चेकिंग के लिए अलहदा बंदा हमने बिठाया हुआ है। दिन रात हम लोगों के बना बना कर हम इतना थक जाते हैं कि अपने ईद पुराने कपड़े में गुजार देते हैं। रमजान मुबारक के आगाज से ही दर्जियों की दुकानों पर खूब रश लग जाता है, लेकिन जो जो ईद करीब आती है दर्जियों का कारोबार उरूज पर पहुंच जाता है। अक्सर दर्जी वक्त से पहले बुकिंग बंद कर देते हैं, जबकि बाद सिलाई के पैसे बढ़ा लेते हैं, जिससे ग्राहकों को मुश्किल पेश आती है। अक्सर औकात कारीगरों पर काम की ज्यादती की वजह से सिलाई का मयार भी गिर जाता है, जो अक्सर तनाज़ात का सबब बनता है। हर बंदा दो दो तीन तीन सूट सिलवाते हैं, तो इसलिए सबको चाहिए कि रमजान से पहले पहले अपने कपड़े और टेलर के पास लेके जाए। अगर लेट दे तो फिर दर्जी नहीं लेता है, कहते हैं कि नहीं होता, हमारे पास रश है, पैसे आप ज्यादा नहीं दोगे तो फिर आपसे नहीं लेते। रमजान मुबारक की आखिरी रातों की बरकतें समेटने और दूसरे झंझटों से खुद को बचाने के लिए जरूरी है कि कपड़ों की सिलाई का काम बर वक्त मुकम्मल किया जाए। अरशद खान, PTV News, पेशावर।